इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर या लैपटॉप में आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो उस ब्राउजर को ओपन कर लेंगे इस तरीके से। तो आप जैसे ब्राउजर को ओपन करेंगे तो हम गूगल क्रोम यूज करते हैं, तो इसे हम इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे टाइप करना है UI UIDAI, इसके बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे UIDAI पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है, तो यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश है तो हम इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं। और इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपडेट आधार, गेट आधार, आधार सर्विस और मीडिया कवरेज है, तो हमें तो आधार डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड के लिए क्या करना होगा, गेट आधार, ये देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपडेट आधार है और ऊपर में तो गेट आधार पे हम आधार सर्विस है, तो हम यहाँ पे गेट आधार पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड आधार। तो जैसे हम डाउनलोड आधार पे जाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे डाउनलोड आधार का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे कैप्चा डालना है। इसके बाद सेंड OTP पे, जैसे ये वाली कैप्चा यहाँ पे डालना है, और जैसे आप OTP एंटर करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड होगा उस पे OTP जाएगा। OTP यहाँ पे आप इंटर करेंगे, इसके बाद आपका आधार यहाँ पे सामने दिखने लगेगा। ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ प्राइवेसी चीजें होती हैं, इसीलिए हम इसको नहीं दिखा रहे हैं। तो इसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं और दोनों जगह यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप पे। तो यही हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश की कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।